हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का पैटर्न देखिए, ये फ्लावर पैटर्न है। ये मैंने वाइट कलर का ऊन एज ए बेस लिया है और इसके साथ ग्रीन कलर से मैंने पत्ती बनाई है और रेड कलर से छोटे छोटे से बूटी वाले फ्लावर बनाए हैं। लेडीज स्वेटर में और बेबी स्वेटर में ये पैटर्न बहुत सुंदर लगेगा। टीनेजर गर्ल्स के स्वेटर में भी आप इस पैटर्न को बनाएंगी तो आपका स्वेटर बहुत सुंदर लगेगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। और ये पैटर्न बुनने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, 4+4 करके, और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे एज ए एज स्टिच सेट करने के लिए दोनों तरफ एक एक। 4 लाइन में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और अगले 4 लाइन में हम पैटर्न को सेट करेंगे जगह को बदल के। देखिए, ये 4 लाइन में हमने बनाया फ्लावर और अगले 4 लाइन में भी हमने सेम वही पैटर्न बनाना है, सिर्फ जगह चेंज करना है। ये फ्लावर इन दोनों के ऊपर ना आकर के बीच में आ गया है इस तरह से। तो आप इसे 4+4 8 रो पैटर्न भी कह सकती हैं और 4 रो पैटर्न भी बोल सकती हैं। आप अपने पसंद के कलर से इस पैटर्न को बनाएं, बहुत सुंदर लगेगा। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को मिलकर बनाते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए हमने क्रीम कलर का ऊन लिया है। इसके पत्ते हम ग्रीन कलर के ऊन से बनाएंगे और जो फ्लावर है वो रेड कलर से बनाएंगे। क्रीम हमारा प्राइमरी कलर है, इससे हमने बॉर्डर बना लेना है। और पैटर्न की फर्स्ट रो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर का ऊन इसमें जोड़ रखा है। 4 के मल्टीपल में हमने फंदे डाले हैं, 20 फंदे, और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं एज ए एज स्टिच। तो 20 और 2 हो गए 22, 22 स्टिचेस जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न की पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी और ये हमने ग्रीन कलर से और क्रीम कलर से बुनना है। पहला फंदा हमारा एज स्टिच रहेगा, ये क्रीम कलर से ही हम रहने देंगे। दूसरा फंदा ग्रीन से बुनेंगे और एक फंदे में 3 फंदा निकालेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 3 फंदे क्रीम कलर से, 1, 2, 3। फिर से एक फंदे से 3 फंदा, 1, 2, 3। इन्हीं 4 फंदों को हमने रिपीट करना है। 3 फंदे क्रीम कलर से, 1 फंदे से 3 फंदा निकालेंगे हम ग्रीन कलर से। 3 फंदे क्रीम कलर से, 1, 2, 3। एक फंदे से फिर हम 3 फंदे बनाएंगे, फिर से 3 फंदे सीधा क्रीम कलर के ऊन से, 1, 2, 3। ये देखिए, एक फंदे से 3 फंदा, फिर से 3 फंदा क्रीम कलर से, और ये एक हमारा एज स्टिच होगा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। ये हमारा पहला फंदा तो एज स्टिच है, इसे हम स्किप कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फंदा क्रीम कलर का हो और 3 फंदे ग्रीन हैं। ग्रीन फंदे को हम आगे ले आएंगे पीछे की तरफ से, देखिए ऐसे इस तरह से, और दोनों फंदे एक साथ बुन लेंगे एक साथ। ये बीच वाला फंदा ग्रीन कलर से बुनेंगे। और अब हमारे पास एक ग्रीन और एक क्रीम फंदे हैं, इन दोनों को फिर से एक साथ बुनेंगे क्रीम कलर से, और इस तरह से, देखिए ऐसे नहीं बुनेंगे, ऐसे बुनेंगे नीचे की तरफ से। एक फंदा फिर से उल्टा, देखिए सेम, फिर हमारे पास वैसे ही फंदे आ गए, एक
क्रीम कलर का, 3 ग्रीन कलर का और 1 क्रीम। इन 4 फंदों में, सॉरी 5 फंदों में हमने फिर से पैटर्न बनाना है। पहले हम एक ग्रीन फंदे को आगे लाएंगे ऐसे, दोनों फंदे एक साथ बुन लेंगे क्रीम कलर से, बीच का एक ग्रीन फंदा ग्रीन से ही बुनेंगे, और फिर से एक ग्रीन एक क्रीम फंदा ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे ना बुन करके ऐसे बुने, एक क्रीम कलर का। अगले 5 फंदों को फिर उसी तरह से हमने बुनना है। पहले हम ग्रीन फंदे को आगे लाएंगे ऐसे, 2 फंदे एक साथ, बीच का ग्रीन ग्रीन से, और ये दोनों फिर से एक साथ लेकिन नीचे की तरफ से, एक उल्टा। फिर से 5 फंदों को वैसे ही बुनेंगे, एक ग्रीन फंदा आगे लाकर क्रीम फंदे के साथ मिलाकर, बीच का ग्रीन ग्रीन से, और ये 2 फंदे एक साथ नीचे की तरफ से, एक उल्टा। बीच वाला हरा फंदा हमें हरे से ही बुनना है, ये देखिए, ताकि पत्ती का शेप आ जाए, और ये दोनों एक साथ। सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो हमारी फिर से राइट साइड की है, ये देखिए हमारे पत्ते बन गए। अब हमने फ्लावर बनाना है, हम थर्ड रो में फ्लावर बनाएंगे। अब हम फ्लावर बनाने के लिए इसमें रेड कलर का ऊल जोड़ लेते हैं। थर्ड रो देखिए कैसे बुनना है, यहाँ पर हमने रेड कलर का ऊल जोड़ लिया है फ्लावर बनाने के लिए। ये जो बीच में ग्रीन फंदा है और इसके दोनों तरफ क्रीम फंदे हैं, इन तीनों को हम रेड कलर से बुनेंगे, यानी 3 फंदे हमने रेड से बुनने हैं। 1, 2, 3, एक फंदा बिना बुने हुए। फिर से 3 फंदे रेड से, 1, 2, 3, एक फंदा बिना बुना हुआ, 3 फंदे रेड से। इन्हीं 4 फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है, एक फंदा बिना बुना हुआ, 3 फंदे रेड से, एक फंदा बिना बुना हुआ, 3 फंदे रेड से। हमारे लास्ट के फंदे थे 2, हमने रेड बुन लिए। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है, रेड फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और क्रीम कलर के फंदों को वैसे ही बिना बुने हुए स्किप करते जाएंगे। 3 उल्टा, ये बिना बुना हुआ फंदा वैसे ही रहेगा। फिर से 3 फंदे रेड वाले रेड से ही उल्टे बुने जाएंगे, ये बिना बुना हुआ फंदा, 3 उल्टा। फिर से 3 फंदे उल्टे और फिर से 3 फंदे उल्टे। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई, और देखिए हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमने अगली लाइन में पैटर्न को रिपीट करना है जगह को चेंज करके। ये देखिए, ये 2 फ्लावर के बीच में हमने अब अगला फ्लावर बनाना है, इसके ऊपर ना बना करके 2 फ्लावर के बीच में। इसे कैसे सेट करेंगे, 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने 5th रो बुनना है, तो 5th रो हम ग्रीन और क्रीम कलर से बुनेंगे। ये जो रेड फंदे हैं ये क्रीम से बुने जाएंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे क्रीम कलर से, और ये जो बीच का एक फंदा बचा हुआ था इसमें हम ग्रीन कलर से 3 फंदे निकालेंगे, फर्स्ट रो की तरह। देखिए 1, 2, 3, फिर से 3 फंदे सीधा, ये हमने फर्स्ट रो की तरह ही बुनाई करी है, सिर्फ जगह चेंज करके। पहले हम यहाँ पर पत्ती बना रहे थे, अब यहाँ पर बनाने लग गए हैं। ये एक फंदे में 3 फंदा, 1
टू थ्री, ये तो तीन रेड फंदे हैं ये क्रीम कलर से, वन टू थ्री, एक फंदे से तीन फंदा ग्रीन से, वन टू थ्री, तीन फंदे क्रीम कलर से, वन टू थ्री, फिर से एक फंदा में तीन फंदा, वन टू थ्री, ये तीन रेड फंदे जो हैं ये क्रीम कलर से बुने जाएंगे, वन टू थ्री, एक फंदा में तीन फंदा, वन टू एंड थ्री, ये दो फंदे बचे हैं इन्हें हम क्रीम से बुन लेते हैं। ये हमारी फिफ्थ रो थी जो हमने सेम एज फर्स्ट रो बुनी है, सिर्फ जगह चेंज करा है हमने। ये देखिए सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सेम एज सेकेंड रो बुनी जाएगी, इन दो फंदों को मिलाकर बुनना है, उससे पहले इस फंदे को आगे करेंगे ऐसे, बीच का एक फंदा उल्टा हरे कलर से ग्रीन से, ये दो फंदे एक साथ, एक उल्टा, फिर से दो फंदे एक साथ बुने जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हरे फंदे को आगे कर लेंगे। फिर से दो फंदे एक साथ, एक उल्टा, फिर से दो फंदे एक साथ, उम्मीद करती हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें दोबारा से पैटर्न को कैसे सेट करना है। अगर मैं और आगे बुनूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे और आगे आप रिपीट करती जाएं तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये देखिए, तो आप इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।